तो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो के अंदर वो है एसी से रिलेटेड। जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी गाड़ी स्टार्ट है और हमारा एसी ऑन है, लेकिन हमारा जो कंप्रेसर है वो बार बार कट ऑफ हो रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, बार बार जो है कट मार रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो कंप्रेसर बार बार जो है कट मार रहा है, तो इस कंडीशन में जो है एसी भी काम नहीं कर रहा है। तो इसका रीज़न ये है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये इग्निटर है और ये जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, स्पार्किंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो है इसके वजह से जो है गाड़ी का जो है अंदर जो है मिसफायर हो रही है, प्रॉपर जो है कम्बस्चन नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से जो है स्पार्किंग प्रॉपर नहीं हो पा रही। जैसे आप देख पा रहे हो दूसरे नंबर के सिलेंडर में जो है स्पार्क हो रहा है, लेकिन एक नंबर के सिलेंडर में जो है स्पार्क नहीं हो पा रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो ये स्पार्क नहीं हो कर पा रहा है, तो हमारी जो गाड़ी के अंदर मिसफायर हो रहा है उसकी वजह से कम्बस्चन पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से जो है मिसफायर की वजह से जो है एसी काम नहीं कर रहा है। सो हमने जो है इग्निटर दूसरा लगाया है इसमें और वो जो है स्पार्क कर पा रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो ये स्पार्किंग हो रही है, क्योंकि वो इग्निटर पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है। हमने दूसरा इग्निटर लगा दिया है तो जो है कंप्रेसर भी अब कट नहीं मार पा रहा है, जो कि आप देख ही पा रहे होगे जो है नॉन स्टॉप जो है कंप्रेसर चल रहा है, कहीं भी अभी तक जो है कट नहीं मारा है इसने। तो इसका रीज़न था मिसफायर, जो कि हमारा एसी काम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से जो है गाड़ी के अंदर कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान नहीं जाता है, तो हम सोचते हैं एसी के अंदर जो है कोई फॉल्ट आ गया है जिसकी वजह से एसी काम नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसे जो है प्रॉपर चेक करने के बाद ही पता चलता है कि गाड़ी के एसी में प्रॉब्लम है या गाड़ी के जो है कंबस्चन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, पूरी तरीके से जो है मिसफायर नहीं हो पा रहा है उसके अंदर, इस वजह से जो है अभी हमने जो है ना इग्निटर के अंदर डाल दिया है, गाड़ी अभी स्टार्ट है, एसी कंप्रेसर ट्रिप नहीं मार रहा है, ये हमारा जो एसी है इस ट्रिप पर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि कूलिंग अंदर जो है अच्छी आ रही है गाड़ी के अंदर, क्योंकि अभी जो है कंप्रेसर जो है नॉन स्टॉप कर रहा है, हमने नॉन स्टॉप जो है गाड़ी के अंदर से मशीन खत्म हो गई है, जिसकी वजह से जो है एसी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, क्योंकि एसी उस वक्त काम नहीं कर पाता है, क्योंकि कूलिंग के अंदर जो है मिसफायर होगी, फ्यूल जो है अच्छे तरीके से नहीं चल पा रहा होगा, तो इस वजह से जो है कंप्रेसर पर इंजन पर लोड बढ़ेगा, तो लोड बढ़ेगा तो इंजन जो है एसी कंप्रेसर का जो लोड है वो कम कर देगा, जिसकी वजह से एसी काम नहीं कर पाएगा। तो आप देख पा रहे हो पाँच पेपर जो है एसी को मैसेज मिल रहा है, जो कि कूलिंग होने के बाद भी मैसेज होता है, और हमारी गाड़ी जो है अच्छे तरीके से जो है कूलिंग कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से जो है कूलिंग कर रही है, गाड़ी में जो कूलिंग जो है वो पूरा कूल हो चुका है, क्योंकि हमने जो है नया इन्वर्टर उसके अंदर डाल दिया है, जिस वजह से जो है हमारी एसी जो है प्रॉपर वर्क कर पा रहा है, क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हो नया इन्वर्टर उसके अंदर और जो हमारा पुराने लगा है, पुराने हमारे दो सही है, एक नंबर का हमारे जो तीन नंबर का जो इन्वर्टर है वो जो है खराब था, खराब प्रॉपर तरीके से खराब नहीं था, 7% जो है वो काम नहीं कर पा रहा था, 40% वो जो है काम कर पा रहा था, क्योंकि जो है पूरी तरीके से जो करंट का जो करंट जो भेजता है वो नहीं भेज पा रहा था, जिसकी वजह से जो है लिखता है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की क्वालिटी लगा दी आती है तो आप जो है जिस तरीके से क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि ये होता है कि हमारे जो है ए सी सिस्टम में जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि ए सी से काम नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमें जो है प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए, ये नहीं है कि ए सी के अंदर ही प्रॉब्लम मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करना।